माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ गोवा से कोची। गोवा से कोची का जो डिस्टेंस है वो करीब 876 किलोमीटर है फ्रॉम हेयर। एंड मुझे जो टाइम लगने वाला है यहाँ से कोची तक का वो करीब 16 से 17 घंटे है। कोची से फिर मैं जाऊँगा मुन्नार। पैकिंग ऑलरेडी मेरी हो गई है, सुबह के बज गए हैं 6। अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, गाड़ी पार्किंग में है, वहाँ से लेके मैं निकल जाऊँगा। पेट्रोल फिल करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी रिजर्व में लग गई थी। जब मैं चला था सूरत से तो तब फिल करवाई थी, अभी मैं यहाँ आने के बाद करा रहा हूँ। जो प्राइस है पेट्रोल का 82 रुपीज़ एंड 24 पैसा। नया ब्रिज बना है जो पंजी से कनेक्ट करता है, पहले दूसरे वाला पुल था वो नीचे, उसकी इसकी हाइट बहुत ज्यादा है और बहुत खूबसूरत बनाया है ये ब्रिज। ये देखिए आप, पहले पुराना ब्रिज था जो कि नीचे है, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ स्टॉप नहीं कर सकता गाड़ी में, लेकिन जो लोग आए हैं उनको पता होगा कि एक जो ब्रिज है वो नीचे है और ये ऊपर की तरफ है, काफ़ी हाइट पे बनाया है ये इन्होंने। अभी कर्नाटका में मैंने एंट्री कर ली है। हाईवे बहुत ही प्यारा है, 4-लेन हाईवे, इसको कन्याकुमारी हाईवे बोलते हैं। ये हाईवे कंटिन्यू चलने वाला है और नज़ारे भी अमेजिंग होने वाले हैं, ट्रैफिक भी बहुत कम है। मेरा पहला टोल है कर्नाटक में अंदर। क्या व्यू है यार, ऑसम व्यू है, मस्त। अल्टीमेट तो अभी देखिएगा आप, मेरे राइट में समुंदर होगा, बहुत खूबसूरत नजारा है यार, अल्टीमेट। वाओ कितना मस्त लग रहा है यार, ऑसम ऑसम। ये देखिए मेरे पीछे सी, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा पीछे का व्यू देखिए आप। सी देखिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बीचेस भी बहुत साफ है यहाँ के, क्राउड नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक मैं जितनी ड्राइव की है कर्नाटक के अंदर, उसमें से सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगा अभी। हालांकि रास्ते में भी बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है मेरा। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम, और देख लो वहाँ पे बोट नज़र आ रही होगी आपको, उधर भी है कुछ, वहाँ पे बोट पार्क है, वहाँ पे शायद इनका बोटिंग होती है, वहाँ पे खड़ी हुई है। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े। ये हाईवे है, वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, और ये हाईवे है, ये कोची जाएगा। ये हाईवे है, ऑसम लग रहा है यार, देखना नारियल के पेड़ दोनों साइड, बीच में से हाईवे, साथ में से वो खड़ी हमारी जीप।
अभी मैं आया हूँ सागर रत्ना में, क्योंकि रास्ते में मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिला नहीं, अब यही मिला है। और यहाँ पे मैंने एक पाव भाजी ऑर्डर की है और चाय लगी थी, उसे कुछ खा लेता हूँ। ये पाव भाजी ऑर्डर की है, पाव एंड भाजी वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ऑप्शन नहीं है तो खानी पड़ रही है। पाव भाजी का टेस्ट सो सो है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर ठीक है, ना से तो बेटर ही है, कुछ तो मिलेगा खाने को। अगर भूख लगे जो मिल जाए खा लो। छोटा सा ब्रेक हो गया है, अब निकल रहा हूँ यहाँ से मुन्नार के लिए। यहाँ से मुन्नार का जो डिस्टेंस है वो करीब 550 किलोमीटर है, और उसके लिए करीब 12 से 15 घंटे मेरे को लगेंगे। जो अभी गूगल दिखा रहा है वो 14 घंटे दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि हो सकता है एक ब्रेक और मैं ले लूँ, उसके बाद ही मैं चलूँ यहाँ से। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैंने फाइनली केरला में एंट्री कर ली है, अभी बजे हैं शाम के 5:30, और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ इसको बोलते हैं कन्याकुमारी हाईवे। और अभी करीब 300 किलोमीटर, ये हाईवे बिल्कुल सिंगल है, और जैसे ही मैंने एंट्री की वो जो हाईवे था वो सिंगल हो गया, तो ये करीब वो बताते हैं कि करीब 300 किलोमीटर तक है जो बिल्कुल सिंगल है। और अभी जो मुन्नार है यहाँ से 475 किलोमीटर्स दूर है मेरे यहाँ से, अभी भी मेरे को करीब करीब नहीं तो 11-12 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से। और मे भी मेरे को कुछ टाइम, मैं सोच रहा हूँ कि बीच में एक स्टे कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि फ़िलहाल थकान तो नहीं है बट मैं कंटिन्यू नहीं चाहता हूँ। और रास्ता मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ कैसा है। ये है हाईवे, ये सिंगल हाईवे है, और ये मुन्नार तक ऐसे ही रहेगा, सिंगल ही रोड रहेगा। कहीं कहीं पे है ये डबल, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम ये सिंगल ही रहने वाला है। थोड़ी सी प्रॉब्लम सिंगल में ये होती है कि ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम आती है। खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद अभी जूस लिया है, खाना इतना टेस्टी नहीं था पर ठीक है, पेट भर गया, अभी जूस पी रहा हूँ, मैंगो जूस है, अच्छा बना है, टेस्टी है। अभी मुन्नार तक जाने के लिए मेरे को कम से कम 7-8 घंटे और लगेंगे, मे भी हो सकता है मॉर्निंग में 7-8 बजे तक मैं पहुंचूंगा, बीच में मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटा सो जाऊं फिर आगे बढ़ूं। रास्ता तो बोल रहे हैं अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी लेट अस सी, देखते हैं। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और मैं अभी रास्ते में ही हूँ, अभी 227 किलोमीटर अभी बाकी है, करीब करीब 6 घंटे और मुझे लगने वाले हैं मुन्नार तक के। और मैं कल सुबह सात बजे से चला हुआ हूँ, करीब 24 घंटे होने वाले हैं कंटिन्यू ड्राइव करते हुए। बीच में मैंने अभी 2 घंटे का रेस्ट लिया था, मैं सो गया था, नींद आ गई थी, फिर मैंने कंटिन्यू की है जर्नी। अभी थकान तो नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, और मे भी मैं सुबह 10 बजे तक मैं मुन्नार पहुंच जाऊं। रास्ता सिंगल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आ रही है कि सिंगल रास्ते की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रात को बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं स्पीड नहीं पिक कर पा रहा हूँ, हार्डली मेरी स्पीड 50 की एवरेज चल रही है अभी। देखिए दोस्तों रास्ता कितना खूबसूरत है, रोड इतने प्यारे बने हुए हैं, ये देखिए क्या कट है, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, इतने ज्यादा पेड़ हैं कि नीचे धूप तक नहीं आ रही है। माय गॉड ऑसम यार, और बाहर टेम्परेचर अभी 24 डिग्री है, मतलब ठंडा है भाई साहब,
और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरे कानों पे प्रेशर बनना शुरू हो गया है। ये देखिए धूप, कहीं कहीं धूप है और कहीं कहीं तो धूप आ भी नहीं रही है। तो रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं।